दोस्तों अगर स्मार्टफोन की बात करें तो आप लोग उसमें से सब एप्पल कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे। दोस्तों एप्पल कंपनी का भी स्मार्टफोन आता है, जो आईफोन एप्पल का ही प्रोडक्ट है। ऐसे में एप्पल कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट है, एग्जांपल के तौर पर मैकबुक भी है और आईफोन भी है। तो ऐसे में आप में से बहुत से लोग आईफोन के बारे में सुने होंगे या फिर आईफोन यूजर होंगे या फिर एप्पल के बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उनके यूजर होंगे। तो ऐसे में क्या आप लोग जानते हैं एप्पल से जुड़े कुछ पांच रोचक बातें, मतलब कि एप्पल से जुड़े कुछ पांच कमाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट। आज किस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एप्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं हर्ष वीडियो। हर्ष वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों फैक्ट नंबर वन ये है कि अगर आप लोग अभी एप्पल का कोई भी सामान यूज करते हैं, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट, एग्जांपल के तौर पर आईफोन भी यूज करते हैं, फिर मैकबुक भी यूज करते हैं या फिर एप्पल का कोई कंप्यूटर यूज करते हैं, तो ऐसे में आप लोगों ने एप्पल का लोगो देखा होगा। और एप्पल का लोगो आपने देखा होगा तो वहां पर आपको एक कटा हुआ सेब देखने को मिलता है, जहां दोस्तों कटे हुए सेब की दुनिया दीवानी है एप्पल की। तो ऐसे में क्या आप लोग जानते हैं कि जो कटा हुआ सेब है एप्पल का, यानी जो कटा हुआ सेब लोगो है एप्पल का, ये शुरुआत से ही है? जी नहीं दोस्तों, ये जो एप्पल का लोगो है बाद में बना, शुरुआत में सबसे पहले एप्पल का जो लोगो था वहां पे आपको न्यूटन देखने को मिलता है। जहां मैं बात कर रहा हूँ सर न्यूटन के बारे में, और आपने साइंस पढ़ा होगा तो आप न्यूटन के बारे में जानते ही होंगे, ग्रेविटी से रिलेटेड, ग्रेविटी के बारे में इन्होंने बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सर न्यूटन। तो इनका ही लोगो हुआ करता था। जो न्यूटन थे एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहां पे से एक सेब नीचे गिर रही थी। बेसिकली आप लोगों ने कहानी वगैरह पढ़ा ही होगा जहां पे बताया गया था कि ग्रेविटेशन का कैसे खोज किया था न्यूटन ने। तो वहां पे आपको जो फोटो देखने को मिला था कि न्यूटन बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, जहां पे से एक सेब टपकता हुआ नीचे गिर रहा था। तो बेसिकली वही फोटो आपको देखने को मिला था एप्पल का पहला लोगो के तौर पे। फैक्ट नंबर टू, क्या आप लोग जानते हैं कि एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मैं बताऊंगा एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग सुन के थोड़ा हैरान हो जाएंगे या फिर सुन के थोड़ा हंसेंगे, क्योंकि उसका स्थापना हुआ था वो हुआ था मूर्ख दिवस के, मतलब मूर्ख दिवस के दिन। आपको मालूम है कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे में इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1976 में। तो आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी कंपनी है, लेकिन आईफोन वगैरह इसका जो प्रोडक्ट है तो करीब 2008-09 से आने लगा है। तो समझ सकते हैं ये मूर्ख, जिस दिन मूर्ख दिवस मनाया जाता है उसी दिन एप्पल का स्थापना किया गया था, मतलब कि मूर्ख दिवस के दिन एप्पल कंपनी की स्थापना किया गया था। दोस्तों फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों अगर आप लोग एप्पल के आईफोन यूजर होंगे या फिर आईफोन का कहीं भी ऐड देख रहे होंगे प्रचार, तो वहां आप लोगों ने इंटरनेट पे या फिर सोशल मीडिया फिर कहीं पे भी अगर प्रचार देखा होगा आप लोगों ने ऐड, तो वहां पे जो आईफोन आता है वहां पे आपको 941 ही टाइम शो करता है। बेसिकली ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था, एक वीडियो बनाया था मोबाइल फोन से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में, वहां पे मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। या दोस्तों आप आईफोन के किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लीजिए जो ऐड में आते हैं, वहां पे आपको अगर टाइम शो करेगा तो वो होगा 941, चाहे आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए 941 आपको शो करेगा ऐड का कोई प्रोडक्ट है आईफोन का। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है आपको मालूम है? दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, 941 इसलिए शो किया जाता है क्योंकि जो एप्पल के मालिक है स्टीव जॉब्स, आप लोग जानते होंगे उनके बारे में, एप्पल के फाउंडर, उन्होंने पहला आईफोन को 2008 के अंतर्गत 941 में लॉन्च किया था, यानी 9 बजे के आसपास लॉन्च किया था, 40 मिनट के आसपास उनका भाषण था, उनका जो भाषण खत्म हुआ 941 में, तो समझ लीजिए 941 में आईफोन लॉन्च हुआ। तो इसीलिए आप जितने भी एप्पल के आईफोन प्रोडक्ट देखते होंगे एड में, तो वहां पर आपको 941 टाइम शो करता होगा। फैक्ट नंबर फोर, आपने कभी ना कभी सुना होगा कहीं पे न्यूज़पेपर या फिर सोशल मीडिया फिर कहीं पे न्यूज़ में देखा होगा, या फिर आपको ये रूमर्स लगता होगा कि अगर आप एप्पल के किसी भी लैपटॉप यानी मैकबुक या फिर एप्पल के किसी भी कंप्यूटर के पास जाके धूम प्राम करते हैं यानी सिगरेट पीते हैं, मीन स्मोकिंग करते हैं, तो आपका जो वारंटी है आपके लैपटॉप की या फिर आपके कंप्यूटर की जो एप्पल का है उसका जो वारंटी है वो खत्म हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों की अभी तक ये मानना है कि सिर्फ एक रूमर से, मतलब कि सिर्फ ये एक अफवाह, ऐसा नहीं होता है, बेसिकली ये सच है। आपको सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये 100% सच है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं एप्पल कंप्यूटर के आसपास, एप्पल के जो भी कंप्यूटर जो है स्मोकिंग करते हैं, आपका एप्पल का कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आप लोग जानते हैं कि एप्पल की दुनिया भर में कितने इंप्लॉयज हैं, और साथ ही साथ एप्पल हर मिनट कितना पैसा कमाती है, और साथ ही साथ एप्पल अपने जो इंप्लॉय होते हैं उनको कितना पैसा पे करती है? दोस्तों बात करूं मैं एप्पल की इंप्लॉय की, तो दुनिया भर में करीब करीब 83,000 के आसपास एप्पल के इंप्लॉयज हैं, और साथ ही साथ उनका जो हेडक्वार्टर है एप्पल का, वहां पे जो भी इंप्लॉयज वर्क करते हैं वो सालाना करीब करीब $1,25,000 कमा लेते हैं,
$25,000 कमा लेते हैं। आपको सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ऐसे में बात करें एप्पल कंपनी के हर मिनट के टर्नओवर की, मतलब कि हर मिनट कितना कमाता है, तो करीब करीब $3,00,000 प्रति मिनट एप्पल कंपनी कमा लेती है। मीन्स आप इसी से समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका टर्नओवर कितना बड़ा है, मीन्स कि कितनी अमीर कंपनी है, बहुत ही पैसा कमाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनको भी बहुत पेमेंट देती है। और साथ ही साथ दुनिया भर में बहुत सारे इसके एम्प्लॉय भी हैं, मतलब कि इससे सुनने से ये लगता है कि एक एस्टैब्लिश ब्रांड है और साथ ही साथ बहुत बड़ा ब्रांड और साथ ही साथ बहुत महंगा ब्रांड भी है। फैक्ट नंबर 6 और लास्ट, दोस्तों आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपका जो एप्पल मैक का जो बैटरी है वो एक बुलेट प्रूफ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग एप्पल मैक बुक यूज करते हैं तो ऐसे में जो आपका एप्पल मैक बुक है उसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ है उस बैटरी के माध्यम से आपको गोली बच सकता है। मतलब अगर आपको कोई गोली लगता है तो उस आपको वो रखे हुए हैं तो आप वो आपका जो बैटरी आपके एप्पल मैक बुक का वो आपको किसी भी गोली से बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो जो है वो बुलेट प्रूफ होता है, उसका जो बैटरी है वो बुलेट प्रूफ है। अगर आप उसे यूज कर रहे हैं और सामने वाला आपको गोली मार रहा है वहां पे, तो वो गोली आपको नहीं लगेगा अगर उस पे मार रहा है तब, क्योंकि वो एक बुलेट प्रूफ बैटरी होता है। ऐसे में आप लोगों में से बहुत से कम लोग जानते हैं कि एप्पल का जो मैकबुक का बैटरी आता है वो बुलेट प्रूफ होता है। तो दोस्तों यही थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट एप्पल कंपनी से जुड़े। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। इसी प्रकार का वीडियो देखने का प्लीज सब्सक्राइब करना चाहूंगा। इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।